हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज एकेडमी। एम अमित कुमार समय, आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ये हमारे के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? एज पर एनईपी 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन टास्क्ड विद डेवलपिंग द एडल्ट एजुकेशन फ्रेमवर्क? एडल्ट एजुकेशन फ्रेमवर्क, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है एनसीईआरटी को। अब ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ इरमिस अवार्ड एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो सबसे पहली बात आती है, ग्रैमी अवार्ड है किस चीज से रिलेटेड? ये है म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये मिला है, और देख रहे हैं ठीक है, ये सिंबल भी बना हुआ है। और दूसरा ये मिला है रिकी केज को, और ये हमारे रिकी केज हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 12वां ये किया गया था फिजी में। कहाँ गया था? फिजी में। अब यहां पर दो चीजें सामने आती हैं, देखिए, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 10 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्र हिंदी दिवस, ये तो आपको पता ही होगा, ये बनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर, एकदम ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना एकदम, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकता कौन से भाग में है? तो संविधान में नागरिकता है भाग दो में, ठीक है, ये है इसमें नागरिकता। भाग एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की, चर्चा की गई है क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। भाग तीसरा, ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। चौथा है, ये चौथा क्या है? ये है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये है नीतिक निर्देशक सिद्धांत, समझ में आ गया। और इसलिए इससे पता पड़ता है कि इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है भाग दो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो ये की गई थी 34 वर्ष बाद। भाई इससे पहले कब आई थी? 1986 में आई थी, ठीक है, और उसके बाद कब आई थी? 2020 में आई, ठीक है, लगा लीजिए 34 वर्ष बाद ये आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है, 161 पदक के साथ, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था? ये चला था 30 जनवरी से 11 फरवरी, ठीक है, 2023। कहां पर चला था ये? एमपी में चला था। इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे? प्रथम कौन रहा? महाराष्ट्र रहा, और दूसरे नंबर पे कौन रहा? हरियाणा रहा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं आपके नीति न्याय आयोग के नए, ठीक है, सीईओ ये हैं बी वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है नवोदय विद्यालय किस तरह के होते हैं, कि उसमें वहीं पर रहना होता है, वहीं पर सब कुछ होता है, सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको, ठीक, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सरकार की तरफ से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? विच इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड? कोई बताएगा कहाँ पर है? पता है किसी को? यह मैसूर में, ठीक है। और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये कहाँ पर है? मैसूर में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मानसूनरम में। कहाँ होती है? मानसूनरम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्न में से किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका 5वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं अनुसूची में। अब देखिए 8वीं अनुसूची जो है, ठीक, इसमें क्या किया गया है? इसमें जो भाषाओं का वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो मूल भाषाएं थी संविधान में, जो मूल संविधान था उसमें भाषाएं कितनी थी? सिर्फ 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और अब कितनी है? 22 भाषाएं हैं, ठीक। इसका आंसर है 5। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? उत्तरी और दक्षिणी के बीच जो है उसका नाम है 38वीं समानांतर रेखा, 38th पैरेलल लाइन। और भारत और चीन के बीच में क्या है? भारत और बीच चीन के बीच में कौन सी लाइन है? वो है मैकमोहन लाइन, आप सबको पता होगा, ठीक है। एक बात आपके लिए बीच में बोल रहा हूँ, जो लोग जो भी ये वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, और जो नए ऑडियंस है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी पसंद आ रही है वीडियो। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर मत कीजिए, रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, भारतीय शिक्षा नीति परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली बात है कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? यह स्वास्थ्य से रिलेटेड है। किससे? स्वास्थ्य से रिलेटेड है। उसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 2014 को।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। एनईपी के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को कितने वर्षों के भीतर एनएएसी मान्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त होना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए? तो पहली बात है, ये है 15 वर्षों के। अब एनएएसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनएएसी ये है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन, ठीक है, एक्रीडिटेशन, AECREDITATIO, एक्रीडिटेशन, ठीक है, काउंसिल। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1994 में हुई थी एनएसी की, ठीक, और इसका आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इसी में देगा, ये का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में, ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्सवर्स्टापर ने, किसने? मैक्सवर्स्टापर ने। और ये खिताब किससे रिलेटेड है? ये है ड्राइविंग, जो कार रेसिंग होती है उससे रिलेटेड है, और ये है आपके मैक्सवर्स्टापर ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल आते हैं 153, ठीक है, 153वें अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है, उनका काम क्या है, क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, सॉरी, तो वो थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, और ये हैं आपके डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, याद रखिएगा, इसलिए फोटोज मैंने लगाई है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, यूजीसी की कौन सी पहल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देती है? तो ये है आपकी स्पार्क्स, ये क्या है? द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, क्या है? द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। क्या बनाइए? SPARC, ठीक है, स्पार्क्स बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तो GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था आपका असम। कौन था? असम। इसने कब किया था? इसने किया था 12 अगस्त 2016, और लास्ट में किसने किया था? कश्मीर ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं आपके संजय कुमार अग्रवाल। कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, धारा इन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम
किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय की पहल। ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय की पहल नहीं है, ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ठीक है, इनकी पहल है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन 25 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में, अयप्पा भगवान, इनसे संबंधित है ये। ठीक, ये तो थे मेरे तरफ से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। तो निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जो हम खुशी से सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते, ये बात आपको भी पता है, सबको पता है। जिस तरह से हम इंटरेस्ट के साथ कोई मूवी देखते हैं और उसके सारे कैरेक्टर हमें याद रहते हैं, सारे डायलॉग हमें याद रहते हैं, वही वाली बात है। देखिए, आप बड़े हो गए, आपको कोई वैसे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये है कि जो भी आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ, अगर आपको बिल्कुल मन नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा दिख रहे, तो थोड़ा सा रुक के 5-10 मिनट वेट करके अपना मूड ठीक कीजिए पहले, उसके बाद पढ़ने बैठिए। ठीक है, टेंशन में मत पड़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार।